चुके हैं स्नैक्स, रिवाइव हो जाएंगे, जोन के अंदर वो आ चुके हैं, बट टीम एक्स पार्क अभी भी एडवांटेज है। स्काउट को हम काफी देर से देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने दो तीन नेड भी करे बट आई थिंक वो ढूंढ नहीं पाए अपना शिकार। टॉप टॉक यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, ये मैं शैक देखता हूँ ना, मुझे आई थिंक BGIS याद आता है, इनकॉग्निटो, आपको याद होगा शैक के दरारों में से उन्होंने वहां पे फिनिश निकाला था। पंख उनको स्पॉट किया गया टॉप डॉग के द्वारा, जैसे उनको हेड दिखाई देगा। चलिए बहुत अच्छे समय पे इन्होंने शॉट्स डील करे, वहां पे शॉट्स लगाए ताकि पंक अब सतर्क रहेंगे कि उन्हें इससे आगे नहीं जाना। बट आप देखें कि पंक इकलौते प्लेयर जो सर्कल के अंदर हैं, वहीं पे रेवेनेंट के प्लेयर जो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलेंगे। टीम एक्सपार्क पूरी तरीके से सर्कल के बाहर। स्पीरो, रेवेनेंट क्या वो बिना बिना चिकन डिनर निकाल सकते हैं? संभावनाएं ज्यादा, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो टीम एक्सपार्क को खुले मैदान से निकलना है। मोस्ट प्रोबेबली उनके पास यूटिलिटीज होनी चाहिए, उनके पास स्मोक्स होने जरूर चाहिए, बट ओजी की स्क्वाड औरंगटान की बात करी जाए रश करने को तैयार है। स्काउट ओपी एक बढ़िया ग्रेनेड उन्होंने वहां पे किया, जरूर है डैमेज नहीं पड़ेगा, बट रैंडम एक और ग्रेनेड किया, बट मुझे नहीं लगता कि ओजी की स्क्वाड यहां रश करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है शैक इस वक्त सर्कल के अंदर नहीं है। सर्कल के अंदर उनको अगर निकलना है तो या तो स्ट्रेट आना है या फिर सीधा रेवेनेंट पे स्लैम मारने की जरूरत। देखिए गाड़ियां भी मेरे ख्याल से नहीं होंगी यहाँ पे टीम एक्स पार्क के पास, तो यहाँ से जोन के अंदर जाना इतना आसान होगा नहीं उनके लिए। वहीं अगर बात की जाए टीम एक्सो की, उनको भी पता है वो ज्यादा मूव कर नहीं सकते, रेवेनेंट का निशाना उनके ऊपर यहाँ पे जरूर है, बट अभी के लिए ओरांगुटान वो डिसाइड करते हैं कि स्लैमिंग करेंगे यहाँ पे जोन के अंदर, क्या वो जोन के अंदर पहुंच पाएंगे बड़ा सवाल बनता जरूर है। बट पंक जो 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं, फियर जो 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं, अब जोन के अंदर जाना चाहते हैं जो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ट्रिगर को पीछे छोड़ा यहाँ पे ओरांगुटान ने, ताकि अगर एक्स पार्क आने की कोशिश करें उनको रोका जा सके, बट एक्स पार्क कैसे जाएंगे जोन के अंदर मेजी। ड्रिगर को हमने शुरुआती दौर से ही देखा है कि वो अपनी टीम से पीछे ही रहते, बट ऐश की बात करी जाए वहां पे ग्रेनेड को किया जरूर जा रहा है, एक और ग्रेनेड आया है वहां पे। मावी की बात करें डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ा, बट सामने ऐश की बात करें उनको भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ता है। एक अच्छा ग्रेनेड वहां पे जाएगा, उस पर भी दो प्लेयर नॉक हो सकता है, एक बढ़िया परफेक्ट ग्रेनेड आपको देखने को मिले मॉली के अंदर, वो खुद चलेगा स्काउट ओपी का मॉली, ऐश डाउन किए जाएंगे, बट ग्रेनेड जस्ट टीम एक्स पार्क के तीनों प्लेयर के पीछे फटा था, बट जो प्लेयर वहां पे नॉक थे उनको रिवाइव कर दिया गया है ड्रिगर के द्वारा। विस्गॉट की बात करें मुश्किल उनके लिए काफी ज्यादा, अपने आपको वो हील करने की कोशिश करें, बट ग्रेनेड किया जाएगा ऐश की बात के प्लेयर के बाहर वो खत्म हो जाएगा। विस्गॉट एक ग्रेनेड उनके जस्ट पीछे फटा, बट मावी कोशिश करेंगे कि उनको डाउन किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाए, बट अल्ट्रॉन का एक ग्रेनेड विस्गॉट डाउन, ट्रिगर लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। टीम एक्स पार्क का डोमिनेशन देखने को मिलता है, 12 फिनिशेस, दो और इंतजार करेंगे 14 फिनिशेस के साथ, बढ़ेंगे इस मैच में आगे। ट्रस्ट द प्रोसेस मेजी, ट्रस्ट द प्रोसेस, दे आर रशिंग इन, बट ट्रिगर अभी भी बचे हुए, शॉट करने की कोशिश, उनको भी यहां पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। स्काउट इज रशिंग इन एंड ही वुड गेट द जॉब डन। टीम एक्स पार्क एक चिकन की तलाश में, 14 फिनिशेस निकाल चुके हैं। टीम रेवेनेंट को भी खत्म करा जाएगा या नहीं, अभी बचे हुए एक प्लेयर बचे हुए क्योया अभी भी सर्वाइव करते हुए, बट कितनी देर तक टीम एक्सो वो भी चिकन की तलाश में अभी बचे हुए, दो प्लेयर्स उनके पास, क्या वो चिकन निकाल पाएंगे, क्या वो 32 अंक लेके जा सकते हैं। नेड आएगा जरूर बट पहुंचेगा नहीं, पेड़ से टकरा के वहीं गिर जाएगा। जी बिल्कुल वही मैं देख रहा था, टीम एक्स पार्क को आप देखे इस पे मौजूद है, अभी भी उनको सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, मात्र केवल 30 सेकंड उनके पास बचे रहेंगे, बट इस बीच आप देखे टीम एक्सो किस तरीके से वो खेल रहे, कितना बढ़िया प्लेसमेंट उनके पास है, 14 फिनिशेस टोटल निकाले हैं, 10 अंक अगर यहाँ पे भी एलिमिनेट होते तब भी प्लेसमेंट उनको मिलने वाले, बट रेवेनेंट उनकी भी तारीफें बनती है, उनको चाहिए जब होता है तभी वो गेम अपना दिखाते हैं, और आप देखे किस तरीके से वो बैक टू बैक अपने आप को ऊपर पहुंचाते हुए दिखाई देंगे। फेयर्स कोशिश कर रहे थे ग्रेनेड करने की, पनिश किए गए काफी ज्यादा, ओपन में आए डाउन किए गए, अब पंक के पास मौका नहीं है कि वो उस प्लेयर को रिवाइव कर पाए, बट टॉप डॉग इस तरीके की गलती आप आखिरी सर्कल्स में नहीं कर सकते जब आपके पास सर्कल है, बट वहां पे पंक को भी मौका दिया गया कि वो फेयर्स को रिवाइव कर पाए। जी हाँ, बट जोन के अंदर जाना है टीम एक्स पार्क को, टीम एक्सो को भी जोन के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे करना पड़ेगा, बिल्कुल भी आसान ये चीज नहीं होने वाली। रेवेनेंट के पास एडवांटेज जरूर है, बट अपने आपको स्मोक करके क्या गलती करी उन्होंने, क्योंकि उनकी पोजीशन अब वो देख नहीं पाएंगे, ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन, बट पीछे जाके टॉप डॉग स्पॉट करने की कोशिश जरूर करते हैं कि अगर वो शॉट लेंगे तो दो नॉक एक्चुअली दो फिनिशेस वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। स्काउट इज ऑन अ रैम्पेज, पंक को नॉक करा जाता है, बट फियर्स वहाँ पे स्ट्रेट अवे ट्रेड कर लेते हुए आपको नजर आएगा, थोड़ा नीचे टॉप डॉग का जो स्प्रे था वो थोड़ा ऊपर, बट फियर्स यहाँ पे एक और नॉक निकालते हुए, अल्ट्रॉन भी नॉक, अल्ट्रॉन भी फिनिश, 15 फिनिशेस के साथ टीम एक्सो लेके जाती है तीसरा पायदान, बट अभी के लिए टॉप लोग यहाँ पे बचे हैं, 2v2 सिचुएशन, क्या जीता जा सकता है, 2v1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश, 420 को नॉक करा जाएगा, इट्स अ 1v1 मावी वर्सेस टॉप डॉग, कौन जीतेगा ये विनर विनर चिकन डिनर। कोशिश की जाएगी टॉप डॉग के द्वारा, बट मावी वो भी हार नहीं मानने वाले, सामने से स्पॉट किया गया, मावी की बात करी जाए खेल करेंगे खत्म, और इसी के साथ टीम एक्स पार्क विनर विनर चिकन डिनर के साथ, देखना पड़ेगा फिनिशेस उनके पास कितने ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे। 17 टोटल फिनिशेस वहीं पे एक्सो की बात करें 15 फिनिशेस, बट रेवेनेंट की बात करी जाए 7। आज इसी तरीके से हमने कुछ मैचेस देखे हैं कि दो टीम होती है
जो पूरे फिनिशेस बटोर के जाती है, बाकी को तो मौका भी नहीं दिया जाता।